खुल गए हैं यूपी बोर्ड के नतीजे और बाराबंकी की नायला उबेद ने हाई स्कूल परीक्षा में पूरे प्रदेश में पांचवा स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी जो हर विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। नायला जैतपुर के श्री साई इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। उनके पिता एक समर्पित मदरसा टीचर हैं, जो बाराबंकी के एक छोटे गांव में शिक्षा देते हैं। उनकी माँ एक गृहिणी हैं, जिन्होंने हमेशा नायला को अपनी पढ़ाई में सहायता प्रदान की है। नायला ने इस परीक्षा में 97.67% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता के लिए नियमित रूप से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई और गहन अध्ययन के साथ अपनी तैयारी को मजबूती दी है। नायला का सपना है कि वह भविष्य में डॉक्टर बने। उनका मानना है कि शिक्षा उन्हें न केवल एक सफल करियर दिलाएगी, बल्कि उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर भी प्रदान करेगी। वो कहती है, अगर आप मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरा नाम नायला उबैद है। किस क्लास पढ़ती थी? मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट। कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी यूपी में 5th रैंक आई है। कितने घंटे पढ़ती थी आप? मेरा कोई फिक्स नहीं था, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, ऐसी। नायला उबैद ने बताया कि मैं दिन रात पढ़ाई करती थी, मुझे यकीन था कि मैं 1st व 2nd रैंक जरूर हासिल करूंगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। फिर भी मेरी मेहनत रंग लाई और पूरे जिले में मैंने टॉप किया और वहीं प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल की है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर और माता पिता को देती हूँ, जिनकी बदौलत यह संभव हो पाया, क्योंकि मैं घर पर 3 से 4 घंटे ज्यादा पढ़ाई करती थी और मेरे माता पिता काफी सपोर्ट करते थे, जिससे यह संभव हो पाया। मुझे उम्मीद तो इससे ज्यादा की थी, मतलब 3rd या 4th रैंक की उम्मीद थी। लेकिन कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैं 2 या 3 घंटे। अच्छा, 2-3 घंटे पढ़ते थे। मेरे पापा मदरसा बोर्ड में टीचर हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ। अच्छा। मुस्लिम रिलीजन में ज़्यादातर लोग बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, तो मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को मतलब स्कूल में पढ़ाइए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए। क्योंकि मेरा सपना है डॉक्टर बनना, क्योंकि मेरे देश में डॉक्टर की कमी है, इसलिए मैं डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। सर, मुझे फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना, क्यों, ऐसा क्यों? सर, डॉक्टर देश और समाज की सेवा करता है, तो मुझे फ्यूचर में उसी तरह देश की सेवा करनी। देखिए, कितने सारे डॉक्टर तो हैं, आप दिखते नहीं। क्या कमी लगती है आपको? कुछ लगती है डॉक्टरों में कमी? सर, देश में बहुत से रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है। लोकल 18 बाराबंकी से संजय यादव की रिपोर्ट।